स्पीकर हाउस में हुकूमती वुजरा की अहम बैठक हुई। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ज्यादा वक्त न देने का फैसला किया गया है। हुकूमती वुजरा ने स्पीकर असद कैसर को आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी है। मजीद तफसलात लेते हैं ओवैस कियानी से। जी ओवैस, क्या तफसलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के जो दौरा लाहौर है उसके बाद जो है स्पीकर हाउस में एक दफ़ा दोबारा नशस्त हुई सीनियर वज़रा की, और उसमें जो वफाकी वज़रा ने स्पीकर असद कैसर को आइंदा हफ्ते कौमी असम्बली इजलास बुलाने की तजवीज़ दे दी है। ओआईसी इजलास से कबल तहरीके अदम एतमाद का मामला निमटाना हुकूमत की बड़ी फतह होगी, वज़रा की तजवीज़ आई है। उसके साथ स्पीकर असद कैसर का कौमी असम्बली सेक्रेटरीट हुकाम से इजलास के मकाम के हवाले से मशावरत भी हुई है। कौमी असम्बली हॉल में कारपेटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, सेक्रेटरीट हुकाम ने इनको बताया है, और आइंदा तीन दिनों में ओआईसी इजलास के हवाले से पार्लियामेंट की तजीन और रश काम भी मुकम्मल होने का इम्कान है। तो दूसरी तरफ जो सबसे अहम जो चीज़ है कि तहरीक अदम एतमाद बहस और वोटिंग का जो हवाला है उसमें तीन दिन बहस के बाद आइंदा हफ्ते ही वोटिंग करवा दी जाएगी, ऐसी तजवीज़ भी सामने आ रही है। और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की तजवीज़ पर रस्मी फैसला स्पीकर असद कैसर करेंगे, और कवायद के मुताबिक रिक्वेजिशन पर इजलास 14 दिन में बुलाना होता है। 14 दिन 22 मार्च मुकम्मल होते हैं, लेकिन कौमी असम्बली इजलास में तारीख के बजाय कल बुलाने की तजवीज़ पर रस्मी गौर जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। ओवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे।